देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत करनाल में सर्वशिक्षा अभियान के चलते गवर्नमेंट स्कूल में जॉब फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम में जुड़े अधिकारी ने बताया कि इसके तहत विभिन्न सम्मानित कंपनियां यहां पर बच्चों के इंटरव्यू ले रही है और उनको रोजगार उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। यहां हम आपको बता दें कि सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए समय समय पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्राइवेट कंपनियां विद्यार्थियों से मिलकर उनकी प्रतिभा का लाभ अपने संस्थान में उठाते हैं। इस मौके पर लगभग 2000 के करीब दूर दूर से आए विद्यार्थियों ने रोजगार मेले में अपने इंटरव्यू दिए, जिनमें से कईयों को मौके पर ही इंटरव्यू लेकर रोजगार देने की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया कार्यक्रम को और तेजी से चलाने में हरियाणा सरकार द्वारा लगाए जा रहे जॉब फेयर मील का पत्थर साबित होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सामने आएंगे। स्किल इंडिया के तहत करनाल के गवर्नमेंट स्कूल में रोजगार मेला लगाया गया है ताकि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अभी हमारे साथ मौजूद है मैम, क्या पर्पज है रोजगार? इसको बताना चाहूंगी कि जो रोजगार मेला यहां पर लगाया गया है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी और बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म हमें यहाँ मिलता है, क्योंकि हमें यहाँ कैंडिडेट भी मिलते हैं, एम्प्लॉय भी मिलते हैं। रोजगार अगर किसी के थ्रू हमारे को मिलता है तो एक बहुत अच्छी बात है। बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमें अच्छे बजट में अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनसे हमारे बिजनेस को अच्छी हाइक मिलती है। तो मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस तरह के जॉब फेयर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए यहां तक हम तक पहुंच सकें। यहां क्या कर जॉब्स आपको यहाँ पर मिलेगा? ब्यूटी वेलनेस में। ब्यूटी वेलनेस एक अच्छा करियर है, आज के समय में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आप देखेंगे कितने सारे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े बड़े ब्रांड हमारे साथ हैं। अगर मैं बात करूँ, यहाँ बहुत सारी कंपनीज आई हुई हैं। मैं आपका रुख करना चाहूंगी, हमारे कुछ एम्प्लॉय हैं जो कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ का जो प्रोसीजर है वो ये है, यहाँ पे गवर्नमेंट के सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे बीच में हैं। काफ़ी अलग अलग स्टेट से यहाँ पर एम्प्लॉय आए हुए हैं जो उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान इन बच्चों को रेटिंग दी जाएगी, जो बहुत अच्छा करेंगे उन्हें एम्प्लॉयमेंट हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, मिनिमम वेजेस सैलरी उनकी होगी और बच्चों को आर्थिक रूप से बहुत मदद मिलने वाली है यहाँ से। कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? नियर अबाउट जितना मैं देख पा रही हूँ सर, 250 to 300 के स्टूडेंट्स हमारे बीच में हैं अलग अलग स्टेट्स। हाँ जी मैम, कहाँ से आए आप? मैं तो कैसे पता लगा आपको? हमारे पास स्कूल से मेल आई थी, साथ में हमारे जो डिपार्टमेंट के अंडर हम हैं, उन्होंने कंपनी के अंडर हम हैं, उन्होंने हमारे पास मेल भी किया कि आप बच्चों को लेकर वहाँ पे पहुँचो। जो हमारे पास से बच्चे पास आउट होकर गए हैं इसी साल, प्लस टू के, 4 साल का डिप्लोमा है उनके पास, अच्छी नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, तो हम उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे वो लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहना चाहते हैं कि आज के टाइम में देखो सबके लिए गवर्नमेंट जॉब्स पॉसिबल नहीं है, और इस तरह से अगर प्राइवेट जॉब्स भी बच्चों को मिल जाती हैं टाइम में, तो पढ़ाई के साथ साथ आगे अर्निंग भी कर सकते हैं और अपनी एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट लगता है हमें। शिक्षा अभियान के तहत करनाल के सभी गवर्नमेंट स्कूल में रोजगार मेला लगाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अभी हमारे साथ मौजूद है एपीसी मेला। मैम, किस पर्पज से मेला लगाया जा रहा है? यह मेला हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा लगाया जा रहा है, जिसमें करनाल क्लस्टर से 4 डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं और इन 4 डिस्ट्रिक्ट में से हमारे जो NSQF के बच्चे हैं उनको प्लेसमेंट के लिए मौका दिया जा रहा है, और इसमें हमारे पास लगभग 13 कंपनियां आई हैं जो कि प्लेसमेंट के लिए इन बच्चों का इंटरव्यू ले रही हैं। और इसके बारे में डिटेल में आपको हेड ऑफिस से आए हुए हमारे अनुज कुमार जी बताएंगे। नमस्कार, आई एम अनुज कुमार कुंडीर फ्रॉम NSQF सेल कोऑर्डिनेटर NSQF पंचकुला, और मेन मकसद जो हमारा आज है प्लेसमेंट ड्राइव का, बच्चों को मतलब कि रोजगार देना है, जो कि आज बहुत रोजगार मेला हमारे यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसमें हमारे कम से कम 5 ट्रेड हैं जो हमारी इस वेन्यू में है, GG टीचर्स रेलवे रोड। सबसे पहले IT, ITS, मीडिया एंटरटेनमेंट, रिटेल, एग्रीकल्चर एंड ऑटोमोबाइल। इस ट्रेड के तहत जो बच्चे अपना 12वीं कक्षा के साथ NSQF Level 4 कंप्लीट कर चुके हैं और जो 18 साल के हो चुके हैं वो इसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हमारी आज इस संबंधित जितनी भी हमारी स्किल्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कंपनीज हैं वहाँ पर यहाँ पर पहुँची हैं। टोटल 13 कंपनीज यहाँ पर पहुँची हैं, मोस्टली 180 से अबव बच्चे हैं जो हमारे यहाँ पर आज पहुँचे हैं।
अलग अलग ट्रेड्स के, जिसमें हमारा आईटी है, रिटेल है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, एग्रीकल्चर है, सिलेक्शन अभी स्टिल द इंटरव्यू इज अंडर प्रोसेस एंड जो रिजल्ट है वो आपको एंड ऑफ दी मतलब कि आपको बता दिया जाए। मोस्टली अभी जैसे पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल में 18 बच्चे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं, एग्रीकल्चर के 4 बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, आईटी में हमारे 13 बच्चे अभी तक सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अभी रिजल्ट हमारे अंडर प्रोसेस है। और स्टूडेंट कहाँ कहाँ से हैं? स्टूडेंट हमारे करनाल से हैं और पानीपत से हैं, सोनीपत से हैं और कैथल से हैं। उनको इन्फॉर्मेशन कैसे दी गई? इन्फॉर्मेशन जो है हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा कम्युनिकेशन प्रिंसिपल को स्कूल लेवल पर डीपीसी लेवल पर दिया जाता है, जिसमें हमारी डीपीसी के थ्रू स्कूल पर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है थ्रू वोकेशनल टीचर, थ्रू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारे साथ अभी हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल सर। किस तरह से मेला लगाया जा रहा है? ये मेला जो है बच्चों की जो लेवल 4 कंप्लीट कर लेते हैं एनएसक्यूएफ में स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के बाद जब बच्चा लेवल 4 कंप्लीट करता है तो उसके बाद प्लेसमेंट के लिए लगाता है ताकि वो प्लस 2 के बाद बच्चा जो है सीधा रोजगार पे चला जाए। वोकेशनल इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो पहले ही अब 9th क्लास से जो है सरकारी स्कूलों में शुरू कर दी गई हैं कुछ स्टेट्स, जिसके बाद जैसे बच्चा प्लस 2 शुरू करता है, प्लस 2 खत्म करता है, तो उसके बाद बच्चा जो है प्लेसमेंट के माध्यम से यहाँ इन कंपनियों के में जो अपनी जॉब को सिक्योर कर सकता है। अप्रॉक्सीमेटली अभी 200 के रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए हैं, जिसमें से 102 रजिस्ट्रेशन जो आईटी में हुए हैं, 16 ऑटोमोबाइल में हुए हैं, 16 इसी तरह से उसमें मीडिया एंटरटेनमेंट में हुए हैं और 64 रजिस्ट्रेशन इसी तरह से एग्रीकल्चर में हुए हैं।